बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आज जारी कर दी गई। बिहार के मुख्य विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने यह रिपोर्ट जारी की है, लेकिन इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद कई जो बातें हैं वो सामने खुल के आ गई हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे रिपोर्ट को तैयार करने में जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें सामने आया है कि बिहार में 2,83,44,107 परिवारों के बीच गणना की गई, जिनमें 13,07,25,310 व्यक्तियों की यह गणना की गई है। और इस गणना में उन लोगों को भी शामिल किया गया है जो बिहार के बाहर निवास करते हैं लेकिन अस्थायी रूप से बिहार के निवासी हैं। अलग अलग जातियों के जो समूह हैं उनके भी आंकड़े आ गए हैं, जिसमें कि बिहार में पिछड़े वर्गों की जो जाति हैं वो करीब 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.1%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित 15.52% है। ये आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। करीब 18% मुसलमान हैं। क्या नाम है सैनिक साथ अमिताभ ओझा पटना। आज 2 अक्टूबर है यानी महात्मा गांधी के जयंती के मौके पर बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना को जारी कर दिया है। एक तरफ महागठबंधन इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है क्योंकि आज तक किसी राज्य ने जाति आधारित गणना जरूर किया था लेकिन उसके रिपोर्ट को जारी नहीं किया था, लेकिन आज महागठबंधन की सरकार ने वो कर दिखाया है और उसके बाद बिहार की सियासत जो है वो गर्म हो गई है। बीजेपी का कहना है कि आनन फानन में ये आंकड़े लाए गए हैं और जल्दबाजी में इस आंकड़े को पब्लिक किया गया है। ये आंकड़े जो है ये बिहार की जनता में केवल और केवल भ्रम पैदा करने के लिए लाया गया है। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की माने तो 2024 के पहले इसे एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव में इस आंकड़े के बाद महागठबंधन सरकार को जरूर राजनीतिक फायदा मिलेगा। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार पटना, News 24। एक हफ्ते के भीतर ही पीएम नरेंद्र मोदी दूसरी बार राजस्थान के दौरे पर रहे। पहले जहां 25 सितंबर को वे जयपुर में आए थे, वहीं आज उनकी चित्तौड़गढ़ में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के सबसे बड़े आस्था के स्थल सांवरिया सेठ के भी दर्शन किए, वहां स्पेशल पूजा भी की। इसके बाद उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की कई सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से राजस्थान के विकास के लिए योजनाएं बनाई है उससे राजस्थान देश में काफी अग्रणी राज्यों में शुमार हो जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी की ओर से साफ कह दिया गया इस बार राजस्थान की जनता पूरी तरह बदलाव के मूड में है। हालांकि पीएम मोदी की इस जनसभा में वसुंधरा राजे भी मौजूद थी लेकिन आज भी उन्हें भाषण देने की इजाजत नहीं मिली थी। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से अपनी सभी योजनाओं का जिक्र करते हुए साफ कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का मतलब ही उनकी योजनाओं की गारंटी है, उनके योजनाओं के पूरा होने की गारंटी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, News 24। इस समय आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने बर्तनों की सेवा शुरू कर दी है गोल्डन टेंपल में। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी गोल्डन टेंपल में जहां पर बर्तनों की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेशक आज उनका जो कार्यक्रम है वो निजी कार्यक्रम था और यही कारण है कि दरबार साहब में माथा टेकने के बाद राहुल गांधी ने जो पहली सेवा शुरू की है। इस समय जो राहुल गांधी हैं बर्तनों की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पीने वाले पानी के बर्तन हैं यहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं आकर सेवा कर रहे हैं और यही कारण है कि राहुल गांधी ने भी एक छोटे श्रद्धालु के तौर पर यहाँ जो सेवा है उन्होंने शुरू कर दी है और पहला पड़ाव पीने वाले पानी के जूठे बर्तन हैं जहाँ पर राहुल गांधी आप देख पा रहे हैं कि सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, News 24, अमृतसर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के दौरे पर पहुंचे। वहां पर वो मुख्यमंत्री भगवान मान के साथ पटियाला पहुंचे जहां पर माता कौशल्या अस्पताल के
अपग्रेड ब्लॉक का उन्होंने उद्घाटन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवान मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पटियाला के पोलो ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भगवान मान ने कहा कि जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो काम कर रही है, पहले उन्होंने आम आदमी क्लिनिक 664 आम आदमी क्लिनिक जो है वो ग्रामीण इलाकों समेत शहरी इलाकों तक पहुंचाया और उसके बाद अब अस्पतालों का अपग्रेडेशन का जो काम है वो शुरू किया है। मुख्यमंत्री भगवान मान ने कहा कि 550 करोड़ की लागत से पूरे पंजाब में 40 ऐसे अस्पताल हैं जिनको आने वाले दिनों में अपग्रेड किया जाएगा, नए नए ICU के बेड्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बार विधायकी छोड़ खुद लोकसभा के चुनाव के मैदान में उतरेंगे। समाजवादी पार्टी अपने पहले उम्मीदवारों की सूची इसी नवरात्र में जारी कर देगी। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने यह जानकारी दी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने पहले उम्मीदवारों की सूची आने वाले नवरात्र में ही जारी कर देगी। समाजवादी पार्टी पहले चरण में VVIP सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। खुद अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनके VVIP उम्मीदवारों को घेरने की कोशिश करेगी तो समाजवादी पार्टी भी BJP के बड़े उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देगी। जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पहले चरण में घोषित होने हैं उनमें वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा के अलावा आजमगढ़, बदायूं, कन्नौज, मैनपुरी और फिरोजाबाद जैसी वो सीटें शामिल है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही हैं। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, News 24। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग उठा दी है। साल 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी है। एक कार्यक्रम के दौरान संजीव बालियान ने कहा कि पश्चिमी यूपी को एक अलग राज्य बनना चाहिए, इसकी राजधानी मेरठ होनी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाना उनके बचपन का सपना है। दरअसल मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन हुआ था, इसमें देश विदेश से जाट समुदाय के लोग शामिल हुए थे। इसमें पश्चिमी यूपी को पृथक प्रदेश बनाने की मांग भी उठाई गई। वहीं संजीव बालियान के इस बयान पर राष्ट्रीय लोकदल ने भी पलटवार किया है। राष्ट्रीय लोकदल ने कहा है कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग वो पहले से ही उठाते रहे हैं, ऐसे में अब मांग नहीं बल्कि निर्णय होना चाहिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, News 24। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री यहां पर ग्वालियर में करोड़ों की सौगात के साथ साथ लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ये बीते एक हफ्ते में दूसरी बार मध्य प्रदेश का दौरा है। इससे पहले भोपाल पहुंचे थे और इससे पहले बता दूं बीते 6 महीने में 8वीं बार प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि ग्वालियर जो चंबल जो इलाका है जो मध्य प्रदेश में सबसे अहम है, क्योंकि यही जो जगह है जहां पर BJP कमज़ोर हुई है और इस चुनाव में BJP लगातार इसी जगह पर काफ़ी फोकस कर रही है। इसमें बात की जाए तो ग्वालियर चंबल की 34 सीटें हैं जहां पर 2018 के जो परिणाम आए थे उसमें कांग्रेस यहां पर काफ़ी मजबूत रही थी। 28 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और 6 सीटों पर BJP यहां पर सिमट कर रह गई थी और यही वजह है कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ और सिंधिया जो है वो BJP के साथ शामिल हुए तब अब BJP लगातार इसी ग्वालियर चंबल को खासतौर पर टारगेट कर रही है ताकि यहाँ पर BJP खुद को मजबूत कर सके। इस बार ग्वालियर चंबल को BJP मजबूत करने के साथ साथ अपने सत्ता के सिंहासन की नज़दीकी देख रही है, इसी जगह प्रधानमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, News 24, मध्य प्रदेश। बंगाल के 20 लाख मनरेगा मजदूरों के 7,000 करोड़ रुपए के बकाए को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने आज दिल्ली के राजघाट पर जमकर हल्ला बोला। गांधी जयंती के मौके पर तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी समेत लोकसभा और राज्यसभा और राज्य के कई सारे वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी में राजघाट पर गांधी प्रतिमा के सामने लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, वहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के जंतर मंतर पर कल एक बड़ा धरना होगा जिसमें अभिषेक बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के कई सारे नेता मौजूद रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने यहां तक आरोप लगाया कि देश के काबीना मंत्री गिरिराज सिंह उनके इस मांग को सुनने के बजाय उनसे मिलना तक मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। तो मंत्री की तरफ से कहा गया कि वो दिल्ली से बाहर हैं, लिहाजा वो मिल नहीं रहे हैं, उनकी बातों को संज्ञान में वो ले रहे हैं और इस पर विचार विमर्श जारी है। कैमरामैन नितिन के साथ ऋषिकेश कुमार, News 24, दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर BJP ने महाराष्ट्र में मिशन 45 के तहत काम करना शुरू कर दिया है।
चर्चा है कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में कई वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायकों को टिकट दे सकती है। चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी धकधकल यानी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को भी चुनावी मैदान में उतारेगी। राजनीतिक गलियारों में इस बात की अटकलें हैं कि बीजेपी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नैने को सांसद पूनम महाजन या गोपाल शेट्टी की सीट से लड़ा सकती है। बताया जाता है कि जब हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुंबई के दौरे पर थे, तब उन्होंने राज्य के कई बड़े नेताओं से अलग अलग बैठकें की थी। इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों ने लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इस बैठक में माधुरी दीक्षित का नाम भी सामने आया। हालांकि इससे पहले 2019 में भी माधुरी दीक्षित के बीजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन माधुरी दीक्षित ने इसे इनकार कर दिया था। दरअसल बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस लक्ष्य के बीच में शरद पवार और उद्धव ठाकरे सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, News 24 मुंबई। दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 राज्यों के कर्मचारी जुटे इस बात को लेकर कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। शायद यही वजह थी कि तमाम राजनीतिक दल भी उसमें सहयोग देते नजर आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात का समर्थन किया है कि पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को व्यवस्थित तौर पर और व्यापक तौर पर नीति बनानी चाहिए और इससे लाखों लोगों का फायदा होगा। इसको लेकर अब तमाम राजनीतिक दल निश्चित तौर पर इन तमाम लोगों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से रैली हुई उसमें कई सारे ऐसे राजनीतिक दल थे जिन्होंने खुलकर समर्थन दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शायद ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें लाखों परिवार इंतजार कर रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार कब योजना बनाएगी और कब ये तय करेगी कि आखिर दिल्ली या फिर पूरे देश के अंदर ऐसी परिस्थिति बनती नजर आए कि पुरानी पेंशन योजना को जो लाभान्वित करना चाहते हैं या जिनको लाभ मिलना चाहता है वो लोग इसका लाभ उठा पाए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ वरुण सिन्हा, News 24 दिल्ली। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल आईएसआईएस आतंकी शहनवाज उर्फ सैफी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साउथ ईस्ट दिल्ली से आज गिरफ्तार कर लिया है। पुणे पुलिस ने इसी साल एक आईएसआईएस मॉड्यूल को बस्ट किया था जिसमें शहनवाज की भी गिरफ्तारी पुणे पुलिस ने की थी, लेकिन ये पुणे पुलिस की शिकंजे से भागकर ये दिल्ली आ गया था। इसके ऊपर 3 लाख का इनाम एनआईए ने घोषित किया था और इसके घर से बड़ी मात्रा में केमिकल भी बरामद हुआ है जो ये आईडी बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। इसके साथ साथ 2 से 3 और संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। कैमरामैन अमित राय के साथ दीपक द्विवेदी, News 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर पिछले कुछ हफ्तों के भीतर ही एक के बाद एक 2 बड़े मोल पकड़े गए हैं, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 बड़े अधिकारियों को घाटी के अंदर मिलिटेंटों की मदद करने के लिए यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार की तरफ से ये आदेश सामने आए कि यहां पर जो ये दोनों पुलिस अफसर हैं जिसमें से एक की गिरफ्तारी पिछले हफ्ते हुई थी, इन्हें सर्विस से फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। जब तक इनके खिलाफ जो कार्रवाई है, इंक्वायरी है, वो पूरी हो जाएगी। और इसमें ताज़ा मामला जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस कैडर के 2008 बैच के अफसर एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस गौहर खान का मामला है, जिसके बारे में सूत्रों का कहना है कि उसने एक मिलिटेंटों के OGW की छानबीन के दौरान उससे 17 लाख के करीब पैसे एक्सटॉर्शन किए। ये 2 मामले एक के बाद एक यहां पर सामने आए हैं जिसने न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि सुरक्षा एजेंसीज की भी चिंता बढ़ा दी है। कैमरामैन मुजीब रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, News 24। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नार्को टेरर मॉड्यूल को बस्ट करते हुए 2 नशा तस्करों को 30 किलो कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को पुख्ता इनपुट मिला था कि कश्मीर घाटी से गाड़ी आ रही है, इस गाड़ी में 2 नशा तस्कर सवार हैं जिनके पास 30 किलो कोकीन है और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है 300 करोड़ रुपए। उसी आधार पर नाका लगाया जाता है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर और रामबन जिले में दोनों नशा तस्करों को दबोचा जाता है। जो जानकारी सूत्रों से मिली है, इस बात की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा, हो सकता है कि ये नशे की खेप जिसमें कोकीन है सीमा पार से ड्रोन के जरिए भी आ सकती है। दरअसल लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार, गोला बारूद के साथ साथ नशे की खेप को भी भेजा जाए, ताकि जो नशे की खेप सीमा पार से सोर आती है, मकसद होता है कि इस नशे की खेप को बेचा जाए और इसके जरिए जो पैसा है उसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। और ये पहली बार है जब इतनी ज्यादा मात्रा में कोकीन बरामद हुई है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, News 24 जम्मू।
महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघनख को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम जा रहे हैं, जहां से वो वाघनख महाराष्ट्र में लेकर आएंगे। ये वाघनख एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी का कलेक्शन है, लेकिन इसको लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता हैं, इसलिए सरकार लोगों को गुमराह न करे और बताए कि ये वाघनख क्या वही वाघनख है जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया था। लेकिन इसको लेकर सरकार ने भी पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदित्य ठाकरे के बयान को बचकाना बताया है। वहीं सिंधे गुट ने इस बयान को नकारात्मक सोच का नतीजा बताया है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज 24 मुंबई। पश्चिम बंगाल में लगातार दो दिन से तेज बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। वहीं बंगाल के खाड़ी में निम्न दबाव बनने के वजह से पश्चिम बंगाल में जगह जगह बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई जो कच्चा घर है, कच्चा मकान है, वो गिर गए हैं और वहां पे करीबन दबकर 3 से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और लगातार यहां पे अलीपुर मौसम विभाग साफ तौर पे अलर्ट जारी कर रहा है कि जिस तरह से देखें कि जो गंगा नदी हो, किस तरह से जल जो उसका लगातार जल का स्तर बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर यहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। क्योंकि जिस तरह से तूफानी जो हवाएं चल रही है, तेज हवाओं की वजह से काफी नुकसान हो सकता है। तो कह सकते हैं कि बंगाल के खाड़ी में निम्न दबाव बनने की वजह से कोलकाता का जिस तरह से हावड़ा हो, हुगली हो, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, बांकुड़ा, पुरुलिया, मेदिनीपुर, सभी जगहों में तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और जिसको लेकर जगह जगह पे जल जमा हुआ है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 कोलकाता। दिल्ली पुलिस ने 2 साल पुराने ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस के ही कांस्टेबल सुरेंद्र राणा को गिरफ्तार किया है। सुरेंद्र राणा ने मोना यादव नामक कांस्टेबल जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत थी, उसी के साथ पीसीआर यूनिट में काम किया करती थी, उसने 2021 सितंबर महीने में गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। पहले आखिरकार दिल्ली पुलिस की सुरेंद्र राणा समेत 2 अन्य आरोपी जो कि उसका एक साला है और उसका एक दोस्त है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। आने वाले समय में वो सिविल सर्विस में भी भर्ती हो सकती थी। और इससे पहले एक तरफा प्यार के चक्कर में सुरेंद्र ने मोना को मौत के घाट उतारने के बाद ऐसी फुल प्रूफ प्लानिंग रची जिससे कि किसी को भी शक ना हो, लेकिन एक कॉल लोकेशन की वजह से सुरेंद्र राणा को आखिरकार क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। कैमरामैन अमित राय के साथ दीपक दुबे, न्यूज 24 दिल्ली। दिल्ली में फ्री बिजली और पानी को लेकर दिल्ली सरकार पहले से काम कर रही है और ऐसे में दिल्ली सरकार ने अब यह फैसला किया है 11 साल पुराने पानी के बिल माफ किए जाएंगे। ऐसे में दिल्ली सरकार ने ये सोच इसलिए रखी है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके कई समय से पानी के बिल बकाया थे और पिछले 11 साल तक दिल्ली सरकार ने तय किया है कि जिन लोगों के पानी के बिल बकाए हैं या फिर वो धनराशि जमा नहीं कर पाए हैं या किसी भी कारण से वो बिल जमा नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में उनके बिल पर कहीं ना कहीं सब्सिडी दी जाए, उनके बिल को माफ़ किया जाए और हालात को समझते हुए फैसला किया जाए कि आखिर आने वाले दिनों में किस तरीके से 11 साल पुराने ये बिल माफ़ किए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने ये फैसला तब लिया क्योंकि साफ तौर पे कई सारे ऐसे केसेस सामने निकल के आ रहे थे जिनका ये मानना था कि उनके पानी के बिल जो हैं वो निश्चित तौर पे बढ़े हुए हैं या फिर लगातार उन पे टैक्स लग रहा है और इसी वजह से वो बिल जमा नहीं कर पा रहे। इसलिए एक बड़े तबके को दिल्ली के अंदर छूट मिलने वाली है जो 11 साल से लगातार पानी के बढ़ते बिल को लेकर परेशान थी। ऐसे में सरकार की तरफ से राहत उनके लिए एक निश्चित तौर पर बड़ी कोशिश नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज 24 दिल्ली। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC ने 2022-23 के मूल्यांकन में ये पाया है कि ज्यादातर मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक यानी कि फैकल्टी नदारद हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि कोई भी संस्थान 50% न्यूनतम उपस्थिति के मानक पर खड़ा नहीं उतरा है। आयोग के मुताबिक MSR यानी न्यूनतम मानक आवश्यकता 2020 की बात करें तो कॉलेजों में
आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी की जांच करते समय यह देखकर बेहद हैरानी हुई कि फैकल्टी और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति के मामले में 100% सभी संस्थान नाकाम रहे। अधिकांश संस्थानों ने इसे नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति की है और ऐसे में इस खुलासे के बाद ये साफ जाहिर है कि अगर फैकल्टी इसी तरीके से नदारद रहे तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों पर पड़ेगा। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज 24। भारत को छेड़ोगे तो भारत तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जी हाँ, ये मैं नहीं, खुद तेजस गिल यानी कि कंगना रनौत अपने आने वाली फिल्म तेजस के टीजर में कहती हुई नजर आ रही हैं। आज गांधी जयंती के अवसर पे कंगना रनौत ने अपने आने वाली फिल्म तेजस के टीजर का आगाज किया है। कंगना रनौत इसमें तेजस गिल के किरदार में नजर आ रही हैं। इस फिल्म का टीजर आज तो रिलीज हो गया है पर ट्रेलर एयरफोर्स डे यानी कि 8 अक्टूबर को रिलीज होगा। साथ में यह फिल्म 27 अक्टूबर को सारे सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है सर्वेश मेवारा ने, वहीं पे इस फिल्म के प्रोड्यूसर है रौनित स्क्रीनवाला। इसमें कंगना रनौत के साथ आपको आशीष विद्यार्थी और वनु मित्रा भी दिखाई देंगे। कंगना रनौत तेजस गिल के किरदार में बहुत ही बेहतरीन नजर आ रही हैं और इसमें एक एयरफोर्स ऑफिसर के किरदार में नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, न्यूज 24, मुंबई। स्पेन के मार्किया नाइट क्लब में रविवार तड़के लगी भीषण आग में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। दरअसल यह हादसा उस समय हुआ जब वहां पर एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। मारे गए एक ही ग्रुप के लोग बताए गए हैं। ये जो हादसा था इतना ज्यादा भयावह था कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। दरअसल जब इस नाइट क्लब में आग लगी, जो अलार्म था वो बजने लगा और उसके बाद तमाम लाइटें बंद हो गई और हर तरफ जो है चीख पुकार मच रहा था। दमकल कर्मी पहुंचे लेकिन तब तक बेहद ज्यादा देर हो चुकी थी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस नाइट क्लब में हुए दर्दनाक हादसे में 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं और जख्मी जो है इतने ज्यादा झुलसे हुए हैं कि जिनमें से ज्यादातर की हालत बेहद ज्यादा नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि स्पैनिश ध्वज को आधा झुका दिया गया है, लेकिन हादसा बेहद ज्यादा भयावह था, बेहद ज्यादा दर्दनाक था क्योंकि इस हादसे में 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कैमरामैन विक्रांत के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24, स्पेन।